ओम आराध्य, आराध्य के चरणों में कोटि सुनाम श्रीपति वंदना से वंदनासन में आ जाए। दो हाथ आनंद गेंद पर जोड़ ले, पहली बार में वंदे अरहम, दूसरी बार में वंदे गुरुवरम, तीसरी बार में वंदे सच्चम का उच्चारण करें। पूरा श्वास करें, वंदे अरहम, श्वास भरे, वंदे श्वास भरे, वंदे सच्चम, श्वास भरे, आर्म्स बैठे। मंगल भावना, दोनों हाथ आनंद के बढ़े, आंखें कोमलता से बंद, सबके प्रति मंगल भावना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। ओम असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, नत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ओंकार हिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना, कामदं मोक्षदं च एव, ओंकाराय नमो नमः। ओम सहना भवतु, सहनो गुणत्तु, सवीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ध्वनि प्रयोग, ओम की ध्वनि पांच बार, लंबा गहरा श्वास ले। Oh.
महाप्राण ध्वनि चित्त को ज्ञान केंद्र चोटी के स्थान पर केंद्रित करे, वहां पर होने वाले प्रकंपनों का अनुभव करे। नाक से बोरे की गुंजन की तरह लयबद्ध आवाज 5 बार लंबा गहरा श्वास ले। ओम अर्घ। वार्म अप के लिए तैयार। आज हम खड़े खड़े वार्म अप करेंगे। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। दोनों पैरों में थोड़ा फासला, दोनों हाथ सीधे, राइट साइड पूरा टर्न, सीधा लेफ्ट, सीधा राइट, लेफ्ट 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 सीधा रिलैक्स। दोनों पैरों में थोड़ा और फासला, दोनों हाथ साइड में, राइट हाथ से लेफ्ट पैर का अंगूठा पकड़ने के साथ ऊपर, बदली 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 और रिलैक्स। दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ ऊपर मिलाएं, दोनों पैर एक साथ मिलाएं, चालू करें। रिलैक्स, मंद श्वास। दोनों हाथ गर्दन के पीछे, राइट पैर आगे, लेफ्ट पीछे, दोनों पैर एक साथ बदली कर। रिलैक्स, मंद श्वास। दोनों हाथ गर्दन के पीछे, लेफ्ट पैर के घुटने को लेफ्ट को नहीं लगाए, बदलिए।
दे रहे हैं। इस जन की मुद्रा होना है, थोड़ा बेंड करें, खड़े हो, राइट पैर ऊपर उठाएं, सीधा रिलैक्स। चटाई के इस कोने पे आ जाए और धीरे से दोनों हाथ नीचे और आगे बढ़े, फिर पीछे खड़े हो जाए। यही क्रिया दोहराए, पुनस्थिति बनाए। इस ढंग की आकृति में आ जाए, अब प्रारंभ करें, लेफ्ट हाथ ऊपर बंदी, अब घुटने जमीन पर लगा दे, दोनों हाथ नजदीक में, मांझा आसन, रीढ़ के दिखो ऊपर खींचे सीधा, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, रिलैक्स। अब पूरे आगे फैला ले, दोनों कोहनियां जमीन पे जमीन पे लगाए, कमर का भाग नीचे, अब लेफ्ट हथेली जमीन पर, राइट ऊपर, इस ढंग से हो जाए, फिर वापस बैंड करें, प्रारंभ करें। अब इसी स्थिति में इस ढंग से आ जाए, उस क्षण रुके, और रिलैक्स, पीठ के बल ले जाए, इस ढंग से दोनों हाथ साथी के पास, गर्दन को थोड़ा ऊपर उठाए, सर्वाइकल पेन वाले गर्दन उठाए, एक एक पैर बारी बारी अप डाउन करें, पैर जमीन पर नहीं लगाए, रिलैक्स। तैयार, पुनः सिर को ऊपर उठाए, दोनों पैर एक साथ, रिलैक्स।
दोनों हाथ गर्दन के नीचे, एक एक पे बारी बारी, रिलैक्स। गर्दन ऊपर उठाएं, दोनों पैर एक साथ गोलाकार एकदम से घुमाएं, उल्टा रिलैक्स, मंद श्वास, दोनों पैर फोल्ड कर, कमर के भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाए और डाउन करें, अप डाउन करते रहे धीरे धीरे, रिलैक्स। दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ साथी के पास, मंद श्वास, तैयार उत्तानुपाद आसन, श्वास भरते हुए दोनों पैर 30 डिग्री अप, पंजी आदि की ओर खींचे, दृष्टि पैर के अंगूठों पर, पेट में होने वाले तनाव का अनुभव, अंगों में होने वाले खिंचाव का अनुभव, स्लोली डाउन, रिलैक्स, तैयार पुनः 30 डिग्री श्वास भरते हुए अप, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और दस, स्लोली डाउन, रिलैक्स, तैयार 60 डिग्री जहां घुटने दिखाई देने लग जाए उतना ऊपर उठा, श्वास बढ़ते हुए अब पंजे आगे की ओर खींचे हुए, घुटनों को सीधा रखने की कोशिश, पेट में होने वाले तनाव का अनुभव, टांगों में आने वाले खिंचाव का अनुभव, स्लोली डाउन, रिलैक्स, तैयार पुनः 60 डिग्री श्वास बढ़ते हुए अप, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और दस, स्लोली डाउन, रिलैक्स, तैयार अर्ध हलासन, दोनों पैर एक साथ 90 डिग्री श्वास बढ़ते हुए अब एकदम सीधा नॉर्मल विधि, सामान्य श्वास प्रश्वास, दृष्टि पैर के अंगूठों पर, स्लोली डाउन, रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दे,
तैयार, भुजे स्तंभासन, दोनों हाथों की मुष्टि बंद, दोनों पैर मिले हुए, सांस भरते हुए, दोनों हाथ, दोनों पैर और सिर जमीन से 6-6 इंच ऊपर उठाए। अब इसे लोकासन भी कहते हैं, भुजे स्तंभासन भी कहते हैं। डाउन एक बार श्वास भरते हुए अप, डाउन रिलैक्स, तैयार अर्ध पवन मुक्तासन, राइट पे श्वास भरते हुए 6 इंच अप, राइट पैर को राइट साइड में ले जाए, सांस छोड़ते हुए सीधा, सांस भरते हुए घुटना फोल्ड करें, हाथों से रोक करें, सांस छोड़ते हुए नाक को घुटने से लगाने की कोशिश, एक पर हल्का दबाव दे, सांस भरते हुए गर्दन नीचे, सांस छोड़ते हुए पैर सीधा, रिलैक्स। लेफ्ट, सांस भरते हुए 6 इंच अप, लेफ्ट पैर को लेफ्ट साइड में ले, सांस छोड़ते हुए सीधा, सांस भरते हुए घुटना फोल्ड करें, हाथों से लोक करें, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए नाक को घुटने से लगाने की कोशिश, पेट पर का दबाव, सांस भरते हुए गर्दन, सांस छोड़ते हुए पैर सीधा, रिलैक्स। तैयार पूर्ण पवन मुक्तासन, दोनों पैर एक साथ, सांस भरते हुए 6 इंच अप, दोनों पैरों को राइट साइड में ले जाए, सांस छोड़ते हुए सीधा, सांस भरते हुए दोनों घुटने फोल्ड करें, हाथों से रोक करें और सांस छोड़ते हुए नाक को घुटने से लगाने की कोशिश, सांस भरते हुए गर्दन नीचे, सांस छोड़ते हुए पैर सीधा, रिलैक्स। तैयार दोनों पैर एक साथ, सांस भरते हुए 6 इंच अप, दोनों पैरों को लेफ्ट साइड में ले जाए, सांस छोड़ते हुए सीधा, सांस भरते हुए दोनों घुटने फोल्ड करें, हाथों से लोक करें और सांस छोड़ते हुए नाक को घुटनों के बीच लगाने की कोशिश, सांस भरते हुए गर्दन नीचे, सांस छोड़ते हुए पैर सीधा, रिलैक्स। तैयार कोहनियों के बल बैठे, पूरा वजन कोहनियों पर, इस ढंग से मुद्रा बना दें, दोनों पैर एक साथ 60 डिग्री अब योगी साइकिल, साइकिलिंग करें, उल्टा और रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़, धीरे धीरे लेफ्ट करवट बदलते हुए पेट के बल लेते हैं, भुजंगासन इस ढंग की आकृति बना ले, दोनों हाथ कंधे के समानांतर, एक इंच की दूरी पर, ललाट जमीन से स्पर्श,
सांस भरते हुए केवल गर्दन, हाँ गर्दन को इसी स्थिति में रखते हुए मुंह से काटते सांस छोड़े, सांस भरते हुए सीने का पूरा भाग, हाँ दृष्टि सामने रहे, पुनः श्वास भरते हुए सीने का पूरा भाग, अब दोनों हाथ नजदीक हथेलियों के बीच 4-6 इंच की दूरी, श्वास भरते हुए केवल सांस छोड़ी, सांस नाभि तक का भाव, अब दृष्टि छत की हुई, पुनः सांस बढ़ते हुए नाभि तक का भाव, अब दोनों हाथ और करीब पसलियों से सटा दे, सांस भरते हुए केवल गर्दन, मुंह से काटते हुए सांस छोड़े, सांस भरते हुए सीने का पूरा भाग, साथ में दोनों हाथ भी, रिलैक्स, आराम की मुद्रा, दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फुट का फासला, एड़िया भीतर की ओर मुड़ी हुई, पंजे बाहर की ओर खुले, मंद सांस, लोकासन, दोनों हाथ आगे की ओर फैला दे, दोनों पैर मिले हुए ललाट जमीन से स्पर्श, सांस भरते हुए दोनों हाथ दोनों पैर और सिर एक साथ, अब डाउन रिलैक्स, तैयार, पुनः एक बार सांस भरते हुए दोनों हाथ दोनों पैर और सिर, अब डाउन रिलैक्स, शर्वासन, दोनों हाथ साथल के पास, हथेलियां जमीन से लगी हुई, छुट्टी जमीन से स्पर्श, सांस भरते हुए राइट पे, अब सीधा सीधा ऊपर उठाए, स्लोली डाउन लेफ्ट, अब स्लोली डाउन, दोनों हथेलियां जंगा दे लीजिए, दोनों हथेलियों का सहारा देते हुए दोनों पैर एक साथ, अब डाउन रिलैक्स, आराम की मुद्रा, धनुराज, दोनों पैर फोल्ड कर दें, दोनों पैरों के टखनों को पकड़े, IBP हार्ट की प्रॉब्लम वाले और हड्डियों की तकलीफ वाले सेहत है, हाथों और पैरों के बीच पूरा तनाव लेते हुए पूरे शरीर के भाग को ऊपर उठाएं, अब धनुष की आकृति बनाएं, डाउन रिलैक्स, आराम की मुद्रा, लोकासन,
मकर राशि पर में जितना फासला बच गए फासला कहां कहां खिंचाव आ रहा है, तनाव आ रहा है, काम को उस पर राइट मुश्किल उसके ऊपर छुट्टी बारी बारी एक एक राइट से काम करें अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन दोनों करें एक साथ अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन क्वेश्चन के धीरे धीरे बैठने की मुद्रा श्वास भरते भुजंग श्वास छोड़ते हुए शशांक ललाट जमीन से स्पर्श पूरे शरीर में तनाव के श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर श्वास छोड़ते हुए नीचे आराम से बैठे दोनों पैर खोल राइट पंजा आगे लेफ्ट पीछे पूरा विपरीत तनाव है बदली 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 और रिलैक्स दोनों पैर एक साथ डाउन पूरा तनाव आगे की ओर अब अपनी ओर पूरा तनाव डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन रिलैक्स दोनों पैरों में थोड़ा फासला दोनों पैर एक साथ लेफ्ट साइड डाउन आगे की ओर राइट पीछे की ओर लेफ्ट आगे राइट पीछे लेफ्ट आगे राइट पीछे राइट आगे लेफ्ट पीछे राइट आगे लेफ्ट पीछे राइट आगे लेफ्ट पीछे दोनों पैर एक साथ गोलाकार विपरीत उल्टा दोनों पैरों का आपस में टकराव दोनों पैरों के बीच फासला अंगूठा जमीन पर लगाने की कोशिश दोनों पैर मिला लें एक एक घुटना डाउन करें अलग दोनों घुटने एक साथ दोनों पैर एक साथ फोल्ड करें एक साथ खोलें रिलैक्स मन विश्वास राइट में सीधा लेफ्ट लेग को फोल्ड करें लेफ्ट लेग को क्रॉस करें लेफ्ट हैंड पीछे राइट हैंड को ऊपर उठाएं राइट की कोहनी से घुटने को दबाते हुए इसी पैर के टखने को पकड़े और जो हाथ पीछे उसकी तरफ देखें छोड़ें
पैर भर दिए, राइट पैर को फोल्ड करें, क्रॉस करें, राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड अप, लेफ्ट की कोहनी से घुटने को दबा दे, जैसे पैर के कटने को पकड़ लिया, और पीछे वाला हाथ की तरफ देखें, छोड़े, रिलैक्स। ये क्रिया अर्ध मच्छिंद्रासन, लेफ्ट पैर को फोल्ड करें, लेफ्ट की एड़ी सीनी नाड़ी के नीचे और राइट पैर को इस ढंग से क्रॉस करें, लेफ्ट घुटना पहले फोल्ड करें, फिर राइट फोल्ड करके घुटने के पास विस्तारित करें, राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड अप, लेफ्ट की कोहनी से घुटने को दबाते हुए इसी पैर के कटने को पकड़े और पीछे वाले हाथ की तरफ देखें और बैलेंस बनाते हुए पीछे वाले हाथ को कमर पे लगा दें, छोड़े, पैर बदले, लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड अप, राइट की कोहनी से घुटने को दबाएं और लेफ्ट साइड में पीछे देखें, अब लेफ्ट हाथ को उठाकर कमर पर लगा, छोड़, रिलैक्स। गोमुखासन, लेफ्ट पैर को फोल्ड, राइट पैर को क्रॉस करें, घुटने के ऊपर घुटने को स्थापित करें और दोनों पैर इस ढंग से जमीन पर लगा दें, घुटने के समानांतर गाय के मुख की तरह आकृति बनती है, इसलिए इसका नाम है गोमुखासन, और जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर उठाए और लेफ्ट हाथ पीछे से दोनों हाथों को लोड करें, इस ढंग से आपस में पकड़ लें, छोड़े, पैर बंद, लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाए, राइट हैंड को पीछे से लोड करें, अब एक हाथ में क्योंकि नया नहीं करते हैं तो अभ्यास करने से होगा, एक तरफ तो हो जाएगा दूसरी तरफ थोड़ा मुश्किल होता है, छोड़े, रिलैक्स। दोनों पैर मिला, दोनों हाथ घुटनों पर, लेफ्ट राइट, घुटनों को अप डाउन कर, एक राजा की सवारी निकल रही थी, रास्ते में एक आदमी ने राजा को बहुत गाली दी, राजा ने सुना हाथी पर सवार था तो अपने अनुचरों को कहा कि इसको पकड़ कैद कर, मुझे गालियां दे रहा है। दूसरे दिन सुबह राज दरबार में उपस्थित किया गया, उसको पूछा कि तुमने राजा मुझे गालियां क्यों दी, मेरा मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, मैं तो जनता की भलाई करता हूँ, तेरी भी भलाई की होगी, तूने मुझे गालियां क्यों दी ये बता। उस व्यक्ति ने कहा राजन मैं और आपको गालियां दे सकता हूँ, संभव नहीं, वो आदमी दूसरा ही रहा होगा जिसने आपको गालियां दी, और हो सकता है क्योंकि कल मैंने बहुत ज्यादा पी ली और बेहोशी की हालत में था, तो किए हुए की स्थिति में अगर गालियां दी होगी तो वह मैं नहीं रहा होगा, क्योंकि मैं समय उस समय होश में नहीं था, बेहोशी में था, अभी मैं पूर्ण रूप से होश में हूँ, मैं आपके चरण छुना चाहता हूँ, आपकी कोई गलती हो ऐसा तो मैं कभी कह ही नहीं सकता, आप तो इतने महान हैं, और मैं कैसे कहूँ होश पूर्ण और मैं आपको गाली दूँ, संभव है। ठीक यही बात हमारे जीवन के साथ घटित होती है, होश पूर्ण हम क्रोध नहीं कर सकते, जब भी हम क्रोध करते हैं तो हमारा होश गायब हो जाता है और बेहोशी की हालत में ही हम क्रोध करते हैं, आप जरा होश पूर्वक क्रोध करके तो देखिए, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब भी आप होश में रहेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा मैं क्रोध कर रहा हूं, इतना मालूम हो जाने पर ही आप भीतर से चेतना जागृत हो जाती है और क्रोध धीरे धीरे अवरुद्ध होने लग जाता है, इसलिए प्रेक्षा ध्यान
हमेशा होश पूर्वक जीने की कला सिखाता है। अगर हम जीवन के हर क्षण में होश पूर्वक जिए, सचेतन सत्ता से जिए, तो बहुत सारे दुर्गुण अपने आप तिरोहित हो जाएंगे और हम चेतना को निर्मल करने में अपने आप सहायक बनेंगे। इससे प्रेक्षा ध्यान के मुख्य लक्ष्य है चित्त की शुद्धि, चित्त की निर्मलता। और जैसे जैसे चित्त निर्मल होगा, आप होश पूर्वक अपने जिंदगी को जी पाएंगे। करें वज्रासन, राइट पैर को फोल्ड कर दें, लेफ्ट पैर को भी फोल्ड कर दें, पूरे शरीर का वजन बीच में से योग मुद्रा। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे लार को जमीन से लगा दें। मंडुकासन, दोनों हाथों की मुष्टि पर नाभि के दोनों ओर लगाए, श्वास श्वास छोड़कर धीरे धीरे आगे दृष्टि स्थान लेफ्ट हथेली नाभि पर, राइट लेफ्ट के ऊपर श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए पेट पर हल्का दबाव दें और आगे देखें, सामने देखें, अब रिलैक्स। उष्ट्रासन, दोनों पंजे खड़े कर, इस ढंग से पंजों को खड़ा करें, पढ़ने की तकलीफ वाले से बिल्कुल भी न करें, दोनों हथेलियां एड़ियों पर लगा, एड़ियों पर दबाव देते हुए पूरे शरीर के बाद ऊपर उठा, गर्दन को पीछे रखता है, अब थोड़ा सा आगे और आराम से बैठ कर किसी भी सुखद आसन में बैठे जिसमें आप सुखपूर्वक बैठ सके आधा घंटे के लिए, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन अथवा वज्रासन। प्राणायाम, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से, पूरक रेचक कुंभक की क्रिया, पूरक का तात्पर्य पूरा श्वास भीतर भरना, रेचक का तात्पर्य पूरा श्वास रेचन कर देना, खाली कर देना, और कुछ नहीं बोलू वहां कुंभक करें अर्थात श्वास को रोके। हाई बीपी हार्ट के प्रॉब्लम वाले श्वास रोकने का अभ्यास न करें, बाकी भी जिनको बेचैनी होते हो तुरंत श्वास छोड़े, जबरदस्ती श्वास को न रोके, पूरा रेचक पूरा रेचक पूरा रेचक पूरा रेचक सामान्य श्वास प्रश्वास कपाल काटे, श्वास को तेजी के साथ छोड़े, रत्न पूरा छोड़े, जैसे ही श्वास छोड़े
नाभि पर चोट हो, पेट भीतर की ओर खिंचके, श्वास लेने में कोई प्रयत्न नहीं, स्वाभाविक रूप से श्वास ले, हाई बीपी हार्ट की प्रॉब्लम वाले, अथवा पेट का कोई अभी अभी ऑपरेशन किया हो तो सामान्य गति से करें, बाकी मध्यम गति से। थकान आ जाए, चक्कर आने लगे, पेट में खिंचाव होने लगे, तुरंत उठ जाए, जबरदस्ती न करें, सहजता के साथ पूरे मनोयोग को करें कपाल। मंद श्वास, मस्तिष्क में होने वाले प्रकंपनों का अनुभव, झनझनाहट का अनुभव, पुनः शरीर तैयार, संकल्प को साथ में जोड़े, जिस प्रकार का विरोध विकार दोष शरीर के भीतर में हर झटके के साथ बाहर निकल रहा है, इसी प्रबल संकल्प के साथ पुनः अपने सामर्थ्य अनुसार करें कपाल। भीतर खालीपन का भाव, निर्विचार भाव, विचार जैसे खो गए, तिरोहित हो गए, चंद्र भेदी प्राणायाम, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, राइट की तर्जनी वाली दोनों डुब डुब के बीच, राइट नॉस्टल पर मुद्रा, लेफ्ट पर मिडल फिंगर, हीट के दिशी दिल, लेफ्ट से धीमी धीमी सांस भीतर भरे, राइट से छोड़े, लेफ्ट से ले, 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 राइट से छोड़े, लेफ्ट से ले और राइट से छोड़े, फिर दोनों हाथ किया सूक्ष्म भस्त्रिका, तेजी से श्वास प्रश्वास, पेट का हलन चलन साथ साथ चले, पेट में खिंचाव आए तो तुरंत उठ जाए, मंद श्वास,
अग्निसार, श्वास को पूरा बाहर निकाल कर बाहर रोक ले और पेट को भीतर बाहर हिलाए। हाई बीपी हार्ट की प्रॉब्लम वाले इस श्वास को न रोके, पूरा श्वास बाहर, पेट को हिलाए। मंद श्वास, सूर्य वेदी प्राणायाम, क्या मंत्र लाइट की तर्जनी दोनों राइट मास्टर पर अंगूठा, लेफ्ट पर मिडल फिंगर, जीभ के दिसी राइट से धीमे धीमे श्वास भीतर भरे, लेफ्ट से छोड़े, राइट से ले, लेफ्ट से छोड़े, राइट से ले, लेफ्ट से छोड़े, राइट से ले, लेफ्ट से छोड़े, राइट से ले और लेफ्ट से छोड़े। फिर दोनों हाथ अनुलोम विलोम प्राणायाम, लेफ्ट हैंड क्या मुद्रा, राइट की तर्जनी विधि दोनों प्रकट के बीच, राइट नॉस्टल पर अंगूठा, लेफ्ट पर मिडल फिंगर, रीढ़ के दिसी, लेफ्ट से धीमे धीमे सांस भीतर भरें, राइट से धीरे धीरे छोड़े, राइट से ले, लेफ्ट से छोड़े, लेफ्ट से ले, राइट से छोड़े, राइट से ले, लेफ्ट से छोड़े, लेफ्ट से ले, राइट से छोड़े, राइट से ले, लेफ्ट से छोड़े, लेफ्ट से ले, राइट से छोड़े। रिलैक्स, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, वीतराग मुद्रा में आ जाए, लेफ्ट हथेली नीचे, राइट ऊपर, नाभि के नीचे स्थापित करें। किसी भी सुखद आसन का चुनाव करें जिसमें सुख पूर्वक लंबे समय तक बैठ सके। आंखें कोमलता से बंद, पांच बार महाप्राण ध्वनि, लंबा गहरा सांस ले, शाम
का संकल्प सभी दो रहा है। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त की निर्मलता के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। शरीर को शिथिल एवं स्थिर रखें। पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दें। पैर अंगूठे से लगाकर सिर तक पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, रिलैक्स हो गया है। कहीं कोई तनाव नहीं, अकड़न नहीं, दर्द नहीं, खिंचाव नहीं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। काय गुट्टी का प्यास शरीर की स्थिरता को साधे। प्रतिमा की भांति शरीर को निश्चल एवं अडोल बनाए। कोई अलन चलन नहीं। मूर्ति की तरह लाइक स्टैचू एकदम स्तब्ध हो जाए, ठहर जाए। कंठ का काय स्तर करें। स्वर यंत्र को ढीला छोड़े। कंठ का मध्य भाग जहां से स्वरों की उत्पत्ति होती है उसे ढीला छोड़ दे और अनुभव करें
जैसे ही हम स्वयं को ढीला छोड़ते हैं, विचारों की श्रृंखलाएं अपना आप रुक जाती है और बढ़ते हैं हम निर्विचार भाव की ओर, जहां कोई विचार नहीं, खालीपन का भाव, शून्यता का भाव। धीमे धीमे लंबा गहरा सांस लें, धीमे धीमे सांस छोड़ें। पहली बार सांस लेने में और छोड़ने में जितना समय लगाएं, प्रत्येक सांस को लेने और छोड़ने में उतना ही समय लगाएं। लयबद्ध श्वास प्रश्वास, श्वास के प्रकंपन नाभि तक पहुंचे, चित्त को नाभि पर केंद्रित करें और अनुभव करें। जब हम सांस लेते हैं तो पेट की मांसपेशियां फूलती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती है। पेट के फूलने और सिकुड़ने का पूरा अनुभव करें। सांस भीतर पेट बाहर, सांस बाहर पेट भीतर। सांस के प्रति पूरी सजगता। अगर मन में विकल्प आने लगे तो सांस संयम का प्रयास करें। कुछ कुछ सेकंड के लिए कुंभक लगाएं।
आते हुए श्वास को जाता हुआ जाने, कोई भी श्वास बिना जानकारी भीतर प्रवेश न करे, बिना जानकारी बाहर न निकले। श्वास के प्रति पूरी सजगता एवं एकाग्रता बनी रहे। श्वास के स्पर्श का अनुभव करें, श्वास कहां कहां स्पर्श हो रहा है, नाक की नलियों के भीतर, नाक की भीतरी दीवारों पर, ऊपर वाले होंठ के ऊपरी भाग पर या नाक के ठीक नीचे, कहीं न कहीं श्वास के स्पर्श का अनुभव होगा है। फिर भी स्पष्टता अनुभव ना होता हो तो 2-3 लंबे गहरे श्वास ले और छोड़े, श्वास के स्पर्श का अनुभव होने लगेगा। मन इधर उधर भटकने लगे, उसे भी जाने और स्वीकार करें। यही वर्तमान क्षण का सत्य है कि मेरा मन भटक गया, पुनः श्वास पर केंद्रित कर दे। श्वास के साथ चित्त को भी जोड़ ले। जैसे जैसे श्वास भीतर जाए चित्त भी भीतर जाए, जैसे जैसे श्वास बाहर आए चित्त भी बाहर आए। अनुभव करें, श्वास लिया, श्वास नलिका में गया, फेफड़ों तक पहुंचा, फेफड़े फूले, 2 सेकंड रुके, गैसों का आदान प्रदान हुआ और धीरे धीरे श्वास बाहर, चित्त भी बाहर, श्वास और चित्त की यात्रा साथ साथ। चित्त को ज्योति के ललाट के बीचों बीच केंद्रित कर दे।
वहां पर पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति चमकती हुई श्वेत रंग का ध्यान करें। ज्योति के नीचे श्वेत रंग के परमाणु को पूरी ललाट में फैला दें, अनुभव करें पूरी ललाट के भीतर श्वेत रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। शांति व आनंद का अनुभव शांति व आनंद का अनुभव करें। दो तीन लंबे गहरे श्वास लें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ लें। शरण सूत्र अरहंते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम अर दोनों हथेलियां आंखों पे डब लें और आंखों की हल्की मालिश करते हुए धीरे धीरे आंखों को जमीन की ओर खोलें, फिर ऊपर की परमेश्वर नमस्कार। ॐ रें नमो अरहंतान। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ॐ रें नमो सिद्धान। श्वास भरते ऊपर मुद्रा बनाए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ॐ रें नमो आयरयान। श्वास भरते हुए दोनों हाथ साइड, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ॐ रें नमो वज्जायाणं। श्वास भरते हुए मेज दृष्टि से ऊपर देखें, श्वास छोड़ते रहे। ॐ रें नमो दोये सवसाहुणं। अंजलि मुद्रा, श्वास भरते हुए ऊपर उठाए, श्वास छोड़ते हुए अर्पण करें और सभी एक साथ संकल्प करें, मेरे साथ हो रहा है, मैं शक्तिशाली हूं। शरीर के कण कण में शक्ति का संचार हो रहा है। मैं स्वस्थ हूं। शरीर के कण कण में स्वस्थता का संचार हो रहा है। मैं प्रसन्न हूं। शरीर के कण कण में प्रसन्नता का संचार हो रहा। मैं सुंदर हूँ। शरीर के कण कण में सुंदरता का संचार हो रहा। मैं पवित्र हूँ। शरीर के कण कण में पवित्रता का संचार हो रहा है। मैं भारतीय हूँ। शरीर के कण कण में राष्ट्रीयता का संचार हो रहा है। भीतर हास्य को प्रस्तुत कर ले। अपने मन को साफ करें, उससे बढ़कर स्नान नहीं। सब जीवों को अभय बनाए, उससे बढ़कर दान नहीं। अपने को जो
झट पहचान उससे बढ़कर ज्ञान नहीं, निर्विषय मन को रख पाए उससे बढ़कर ज्ञान नहीं। आज का दिन हम सबके लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, आनंददायक हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम अर्पण।